आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप आने वाली वीडियोस के भी लुत्फ़ उठाते रहें। आइए मैं आपको एक RNFI के रिटेलर पोर्टल के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे रिटेलर अभी अच्छी तरह से उस पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना के आप तक जानकारी शेयर करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन रहेगी वो आप तक पहले पहुंच जाएगी। और दोस्तों, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो यहाँ सबसे पहले आप RNFI का पोर्टल पर लॉगिन हो जाइए। तो आप देख रहे होंगे मैं RNFI के रिटेलर पोर्टल पर लॉगिन हूँ। तो आपको मैं दिखाता हूँ इसमें बैलेंस इंक्वायरी करके किस तरह बैलेंस इंक्वायरी होता है। सबसे पहले कोई भी एक मोबाइल नंबर डालना है तो मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अब नीचे जैसे करेंगे तो इसमें आधार नंबर पूछेगा। यहाँ मैं अपना आधार नंबर डाल दिया हूँ। अब दोस्तों, यहाँ मैं अपना बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ चेक डिवाइस पे क्लिक करूँगा। जैसे चेक डिवाइस पे क्लिक करता करते हुए ऊपर में देखिए आ गया डिवाइस डिडक्टेड सक्सेसफुली। यहाँ ओके कर देना है, फिर स्कैन पे क्लिक करना है आपको। यहाँ बोल रहा है प्लीज़ पुट फिंगर ऑन योर डिवाइस। यहाँ ओके करेंगे तो डिवाइस की लाइट जल जाएगी दोस्तों, और ऑटोमेटिक ये स्कैन होने के बाद सबमिट हो जाता है। तो आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ देख लीजिए मेरा जो भी अकाउंट बैलेंस था वो आ गया। तो कहा जाए कि RNFI का सर्वर इतना फास्ट है, नहीं तो पेनियर का है, नहीं एक्सप्रेस मनी का, नहीं ऑन पे का, किसी भी कंपनी का अभी तक इतना फास्ट सर्वर नहीं आया है। और यहाँ से आप प्रिंट भी निकाल के कस्टमर को कॉपी दे सकते हैं। देख लीजिए सारा डिटेल्स, आपके BC का नाम, आपका नाम, आधार नंबर और मोबाइल नंबर क्या है, ट्रांजेक्शन स्टेटस क्या है, सारा चीज़ यहाँ आपको दिख जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए समझ गए होंगे आप सभी रिटेलर। काम करने में बहुत मस्त लगेगा भाई, एक बार कम से कम आप करके देखिए। पहले समझ में नहीं आने से पहले कोई काम जो होता है ना बहुत मुश्किल होता है, अगर समझ में आ जाने के बाद बहुत ही ईजी हो जाता है। तो उसी तरह है, आप अभी दूसरे कंपनी का यूज कर रहे होंगे तो वही आपके लिए बेटर रहेगा, लेकिन एक बार करके देखिए। थोड़ा दिक्कत तो होगी पहली बार ना दोस्तों। फिर यहाँ कैश विड्रॉल उसी तरह है, सेम मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ कैश सेलेक्ट करना है या एंटर अमाउंट में एंटर अमाउंट डाल देना है, यहाँ आधार नंबर डाल देना है और बैंक सेलेक्ट करके फिर आपको कैश चेक डिवाइस पे क्लिक करना है, फिर स्कैन करके उसका विड्रॉल हो जाएगा। तो मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। चलिए मैं अपना आधार नंबर डाल दिया और अपना बैंक भी सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ चेक डिवाइस पे क्लिक किया, अब स्कैन कर लें। जैसे फिंगर स्कैन हो जाने के बाद देख रहे हैं लोडिंग ले रहा है, और देख लीजिए आ गया ₹50। ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल, एन अमाउंट ऑफ 50 हैव बीन विड्रॉल फॉर योर बैंक अकाउंट। अब इसका भी आप प्रिंट निकाल के दे सकते हैं कस्टमर को। तो देख लिया आप बैलेंस विड्रॉल किस तरह करना है। अब बहुत सारे रिटेलर को समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस कंपनी में तीन वॉलेट है। यहाँ देख रहे होंगे मेन वॉलेट है, DMT वॉलेट है और APS वॉलेट है। तो बहुत को ये मुश्किल लग रहा है, तो मैं आपको समझाने की जानकारी दे देता हूँ कि इसमें जो तीन वॉलेट है तो एक APS का वॉलेट है, जिससे आप APS का जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी कस्टमर का अमाउंट होता है वो इसी में रह जाता है। यहाँ से अगर आप सेटलमेंट देख लीजिए, APS एंड पोस्ट सेटलमेंट है, यहाँ से आप अगर सेटलमेंट करते हैं, यहाँ अमाउंट हम 100 डाल दें जानकारी के लिए, और सेटलमेंट करते हैं तो सीधे आपके बैंक अकाउंट में चला जाता है। अगर आप किसी अदर अकाउंट में DMT करना चाहते हैं तो आपको आना होगा यहाँ मोर के ऑप्शन पे, यहाँ वॉलेट ट्रांसफ़र है, वॉलेट ट्रांसफ़र पे, और फिर आपको यहाँ APS वॉलेट टू मेन वॉलेट चूज करना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको यहाँ 100 अमाउंट भर देना है जो भी है, और
इसे कंफर्म कर देना है। देख रहे हैं ये 100 रुपया मेरा यहाँ 300 कुछ रुपया था और 100 इसमें प्लस हो गया, इसमें वॉलेट ट्रांसफ़र में चार्ज नहीं लगता है, तो 402 रुपया 302 रुपया था और 402 रुपया हो गया। अब DMT करना है हमको, तो फिर जाना है आपको, सिंपल सी प्रोसेस है, कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ वॉलेट ट्रांसफ़र में जाना है और फिर यहाँ DM मेन वॉलेट टू DMT पे क्लिक करना। अब 100 यहाँ, अब यहाँ 100 डाल के फिर आपको DMT टू मेन वॉलेट टू DMT वॉलेट कर देना है। जैसे यहाँ DMT टू मेन वॉलेट कीजिएगा तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ DMT वॉलेट में मेरा 5 रुपया था, 100 रुपया 105 रुपया 77 पैसा हो गया। इसमें नो चार्ज, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे पेनियर सब में वॉलेट ट्रांसफ़र करने में चार्ज लगता था, अभी कम कर दिया तो DMT में चार्ज बढ़ा दिया है, तो ये सब कुछ नहीं है। तो आप देख रहे होंगे 105 रुपया आ गया। अब इसको DMT कैसे करना है ध्यान से देखिएगा, मेरा वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ DMT पे हम क्लिक करेंगे, DMT पे क्लिक करने के बाद कोई भी एक फ़ोन नंबर डाल देना है जिससे आप रजिस्टर किए हुए हैं। पहले रजिस्टर करना पड़ता है, वो तो सारी कंपनी में करना पड़ता है दोस्तों, उसी तरह इसमें भी रजिस्टर करना पड़ता है। और आप देख रहे हैं कि हमने रजिस्टर कर दिए हैं। रजिस्टर करने के बाद देखिए मेरा यहाँ संतोष कुमार ICIC बैंक लिमिटेड अकाउंट नंबर सब आ गया, वेरीफाई है। इसमें अब 100 डाल देना है, 100 डालने के बाद यहाँ सबमिट करना है, फिर नीचे जाना है। आप OTP या MPIN से भी कर सकते हैं, यहाँ MPIN भी बना सकते हैं या OTP भी दे सकते हैं, तो हम OTP ही डाल के करते हैं। यहाँ देखिए OTP डाल के जैसे हम कंफर्म करते हैं तो मेरा ट्रांजैक्शन का स्टेटस जो भी होगा वो आ जाएगा। देख लीजिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, देख लीजिए ट्रांजैक्शन सक्सेस यहाँ दिख रहा है दोस्तों, 100 रुपया अमाउंट चला गया। इसमें नो चार्ज, वो अब 5 रुपया जो था मेरा DMT वॉलेट में, शायद चार्ज जो है उसी से कटा होगा। देख लीजिए 105 रुपया 77 पैसा था, कुछ पैसा कटा है, 50 पैसा कटा है, 500 में 50 पैसा मेरा चार्ज। ये आप लोग के सामने में था पहले, थोड़ा वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। 105 रुपया 77 पैसा था, अब 5 रुपया 27 पैसा मेरा बच गया। तो आप लोग तो देखते होंगे कि हम जो बोलते थे कि DMT में बहुत कम चार्ज लग रहा है, तो आप लोगों को यकीन नहीं होता होगा, तो देख लीजिए। और बहुत ही फास्ट सर्विसेज है, सारी सर्विसेज है, APS है, DMT है, क्रेडिट कार्ड का भी आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इसमें M-POS भी है, जैसे पेनियर में अभी नहीं है, स्पाइस मनी में है, तो उसका आपको मंथली चार्ज लगता है शायद इसी तरह कुछ ज़्यादा, ओवर चार्जिंग होता है, 7,000 रुपया पड़ता है M-POS का। इसमें आपको 5,900 में आएगा M-POS लाइफ टाइम, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको। फिर उसी तरह पैन कार्ड की भी सर्विसेज है, पहले आप यूज करके देख लीजिए, एक पोर्टल ले लीजिए, 1,000 रुपये में मिलता है। आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या RNFI डिस्ट्रीब्यूटर किसी से भी आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। तो इसमें आपको 1,000 रुपया चार्ज पे करना होगा और ID सेम डे एक्टिव करके मिल जाएगा दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।